तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद शोत श्री 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 माधुभक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद शोत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कृष्ण जब कालियानाग को उन्होंने दमन किया है, कालियानाग ने उनको वहां पर सुंदर सा टापू था वहां बैठा करके अपने कोमल शरीर है जो गोपियां भी अपना बद्ध स्थल में रखने के लिए उनको कष्ट लगता है। बोले श्याम सुंदर तुम्हारी चरण इतने कोमल जिसको हम बद्ध स्थल में भी धारण करने के लिए हमको कष्ट लगता है और उसी चरण से तो क्या करो चरण से आपका शरीर को मैंने लेपन करना चाहता हूँ। उन्होंने ठाकुर जी को बैठाया, बैठा करके ठाकुर जी को सारा शरीर में अभूत भरपूर चरण से उनको लेपन किया और उनको पास में एक स्यमंतक मणि था कौस्तुभ मणि था। यदि कौस्तुभ मणि उन्होंने भगवान को कृष्ण को दिया। पहले आप लोग ने श्रवण कर रहे थे यदि भगवान को पहचानने का लक्षण क्या है। यदि भगवान को अगर पहले कौस्तुभ है ना भगवतम अद्राक्षी भगवान की गल में कौस्तुभ मणि जरूर होना है, ये भगवान को पहचानने का लक्षण है। मणि तो बहुत तरह तरह सेमंत मणि वैजयंत मणि अलग अलग मणि है लेकिन जो भगवान है ना उनको गले में ये कौस्तुभ मणि से जिसको देखने से पता चलता है ये भगवान। जैसे वैकुंठ में जाओ सबको गले में देखो मणि सबके सब चार हाथ वाले देखो हाँ चार चार हाथ देखो लेकिन भगवान की गले में जो मणि है ये कौस्तुभ मणि। लेकिन कृष्ण जन्म होते ही लेकिन वो मणि कृष्ण के साथ में नहीं था। बोले क्यों नहीं था? अगर ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान फिर तो उनका ब्रज का जो मधुर लीला है जो मैया जसोदा सोचती है मेरे लाला है हैं कोई अगर कुछ उटपटांग कर तो डांटती है डपटती है कुकल में बांधती है चोर चोटे बोलती है थोड़ी भगवान भी बात बताए हैं नहीं पता डांट नहीं लगा सकते। सखाओं ने जो उनको पछाड़ देते हैं कंधे पर चढ़ जाते हैं झूठा खिलाते हैं सखा लोग थोड़ी करेंगे। इसलिए वो मणि किसी तरह से जा करके ये कालियानाग की पास में लेकिन उसने इसको कोई एक उसको पता नहीं था कि ये कौस्तुभ मणि तो उनको सोच रहे तो कोई दिव्य मणि होगा लेकिन उन्होंने पुनः भगवान को उन्होंने वही मणि प्रदान की। प्रदान करके भगवान को बोले ठाकुर जी कभी कभी मेरे को भी बीच बीच में अपना सेवा में लगा है को दो स्थान पर स्थान दे दिया। एक तो उनको रमण द्वीप में भेज दिया और एक उनको भेज दिया कहाँ पर भेज दिया उनको गोलोक वृंदावन उन्होंने काली रूप में। और जब भगवान की इच्छा होता है जमुना में जल विहार करे कालिया को बुला देते हैं लेकर के जल विहार करते कितने सौभाग्य इसको ठाकुर जी ने कितने सौभाग्य प्रदान किया ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को अभी सुंदर श्रृंगार की ठाकुर जी अभी तो बीच में अभी कृष्ण आएंगे कैसे कुल में इतने में एक कालिया ने एक सांप को भेज दिया कृष्ण आप उनके सर पर खड़े हो जाओ और जो कालियाना था ना और एक जो नाग वो पानी को अंदर अंदर में उनको ले ले लेकर किनारा में छोड़ दिया। जब छोड़ दिया ब्रजवासी तो कृष्ण को पा करके
इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। पहले तो जितने माताएं थी सब कृष्ण को लेकर के चुंबन कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, कैसे तालियों को मुंह से बच करके आ गया कितना। लेकिन नियम किया है, जहाँ पर माताएं होती है ना वहां पर पुरुष साथ में नहीं जाते, माताएं तो माताएं रहती हैं। लेकिन जो उपानंद आदि नंद बाबा थे, यदि भी स्त्रियाँ पहले उनको जितने मातृस्थान या स्त्रियाँ उनको आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे, उनको प्यार थे, लेकिन नंद उपानंद को सहन नहीं हुआ, उत्कंठा सहन नहीं हुआ। उन्होंने कुछ स्त्रियों का अंदर में ही घुस करके कृष्ण आ गए ना, अंदर में घुस गए, उनको उत्कंठा सहन नहीं हुआ और कृष्ण को आलिंगन करके लाला पर वापस आ गया। मानो मृत्यु का हाथ से कृष्ण वापस आ गए। और जो गोपियां थी ना, यद्यपि सभी के हृदय में प्रेम है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसको हृदय में, यदि गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रति सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। गोपियां तो मानो अभी तो कृष्ण के पास जा ही नहीं सकते, इसलिए कृष्ण को उन्होंने मन मन में कृष्ण को उन्होंने आलिंगन किया और कृष्ण ने गोपियों के भाव को कृष्ण समझ गए, हैं कृष्ण उनको गोपियों के भाव को समझ गए। और इतने में श्री बलदेव प्रभु आए और बलदेव प्रभु आकर इतना मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे। बोले बलदेव प्रभु क्यों मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे? बोले कारण है क्योंकि अनंत देव है, श्री अनंत देव, उनको पता है ये कालिया कृष्ण को क्या कर लेगा, है ये कालिया कृष्ण को तो भगवान कृष्ण है, यदि ये कालिया उनका क्या कर सकता है, इसलिए उन्होंने तो कृष्ण को इशारा किया था। बोले क्या कर रहे हो, देख रहे हो ब्रजवासी तेरे विरह में मर रहे हैं, अभी भी ये कालिया उसको सड़े गले एक सांप के साथ में खेल रहे हो, अरे खेलना तो मेरे अनंत स्वरूप को साथ में खेलना, वापस ले आओ। उनको पता है ब्रजवासियों को वही रोक रहे थे, ब्रजवासी तो कृष्ण विरह में प्राण त्याग नहीं जा रहे थे, कृष्ण उनको रोक रहे थे कृष्ण, इसलिए बलदेव प्रभु भी प्रसन्न हुए कृष्ण को वापस देख करके, श्री बलदेव प्रभु भी प्रसन्न हुए। लेकिन जब प्रसन्न हुए इतने में सोचे देखो एक काम करते हैं, रात हो गया है, यहाँ रात हो गया, अभी हमारी घर थोड़ी सी यहाँ से दूर है, हैं दूर है, इसलिए एक काम करो। बोले क्या करो? बोले रात को कहीं पर हम रुक जाते हैं, रात को रुक जाते हैं। उन्होंने जो वहाँ पर जो कालिया घर था थोड़ी सी दूर चले गए। बोले थोड़ी सी दूर क्यों चले गए? बोले कारण है कालिया घर का पानी तो जहरीला पानी है, उसको पास में कैसे रह सकते हैं। उन्होंने थोड़ी दूर में चले गए, जब थोड़ी दूर में जा करके विश्राम कर रहे थे, इतने में कंस ने क्या किया, वो तो कंस पीछे लगा हुआ था, उनको तो पता चला ये भगवान है, ये यही मेरे को मारने वाले, क्योंकि इसको पहले उन्होंने पुतना को मार डाले, बकर इसको उन्होंने पुतना को मारे, फिर बकासुर को मारे, फिर कृष्ण सकटासुर को मारे, दृणावर के कुछ दैत्य को ऑलरेडी मार चुके हैं, इसलिए कंस ने इनको पीछे पीछे सब दैत्य को लगा करके सूर्य को मिलते खत्म कर, सूर्य को मिलते ही कृष्ण बलराम को खत्म कर। जो ब्रजवासी सो रहे थे ना, इतने में क्या हुआ, कंस का चार लोग आए और चारों तरफ में आग लगा दी। जब चारों तरफ में आग लगा दी, जब आग लगती है ना, आप देखना जैसे वहां पर एक सर्पेंट होते हैं, मुंजा बिखे होता है, जब सूख जाए ना आग लगने पर हवा बहती है, जब हवा बहती है आप देखना पूरा चारों तरफ में आग फैल जाती है, अभी चारों तरफ में आग आग जल रहा है। अब ये सब के सब यहीं पर सब के सब बीच में और सोच रहे थे फिर अगर कालिया दोबारा आएगा, लेकिन उनको पता नहीं चला कृष्ण कालिया को कहाँ भेज दिया, रमण द्वीप भेज दिया है, रमण द्वीप भेज दिया है, इसलिए जब कालिया को रमण द्वीप भेज दिया और अपना अमृतमय दृष्टि से पानी को उन्होंने शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, इसलिए एक गांव है जिसका नाम जैत गांव। जैसे आप लोग छठग्रह से आएंगे ना, छठग्रह से जब आप दिल्ली आओगे, जब थोड़ी दूर आएंगे वहां पर एक कालिया का स्थान है। जिस समय कृष्ण ने कालिया को भेजा, जब कालिया जा रहा था बड़े दुखी हो रहा था, बोले क्यों? बोले कहां भगवान का धाम है, ब्रजधाम में वास कर रहा था है? और ये ब्रजधाम हमें छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए चलते समय उन्होंने जो कि जैत गांव है वहीं पर उन्होंने पलट कर देखा, क्यों? वृंदावन धाम को वो छोड़ रहे, दुखी होकर अभी भी वहां पर एक कालिया नाग है,
वहां पर मूर्ति बना हुआ, वो ऐसे पीछे मोड़ करके देखा है कि व्रत छोड़ करके कालिया व्रत छोड़ करके जा रहे हैं। गए कहाँ? बल्कि फिजी, अभी जिसको फिजी कहते हैं, मैं फिजी गया। आप सोच नहीं सकते कितने सुंदर स्थान, उस जो स्थान है ना फिजी, वो उसका नाम भ्रमणगिरि। भ्रमणगिरि बड़े सुंदर द्वीप है, वहाँ पर टूरिस्ट लोग है ना, वहाँ बीच बीच में टापू है, इतने लोग घूमने जाते हैं ना, चारों तरफ में समुद्र है, वहाँ का जो मिट्टी है ना, इतने मिट्टी वहाँ खाद करने का जरूरत नहीं, जो गन्ने वहाँ खेती, इतने मोटे मोटे गन्ने पृथ्वी में, इतने मोटे गन्ने कहीं नहीं मिले, कोई खाद देने का जरूरत नहीं। वहाँ की सब्जी इतने स्वादिष्ट है ना, आप सोच नहीं सकते वहाँ की सब्जी इतने, पृथ्वी में आप इतने स्वादिष्ट सब्जी नहीं आपको मिलेगी नहीं, इतने वहाँ बैंगन का जो भरता बनाती है ना, आप सोच नहीं सकते। वहाँ का जो आलू, वहाँ का जो भिंडी अलग स्वाद है, और वहाँ पे जो पानी है ना, वो पानी बेच बेच के तो पूरा देश चलता है, या तो पानी में कोई बाल को धोए तो जिंदगी में कोई बाल नहीं निकलेगा कभी, इसलिए इतना इतना बोतलों पानी जाती है, जो 700-700 रुपया में वो पानी जा करके दूसरे देश में बिकता है। इतने बढ़िया स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान, अपूर्व स्थान, उसका नाम है फिजी। अब चलो बहुत ज्यादा चलो, हाथ उठा कट जाएगा, लेकिन अब पहले पासपोर्ट पासपोर्ट वीजा बना एक बार। लेकिन वहाँ बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे ना कुछ जहाज में बैठी करके, बहुत बड़े बड़े जहाज आती हैं, सोच नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी जहाज, हम वहाँ पर गए हैं, बड़ी बड़ी जहाज आती हैं और लोग घूमने के लिए वहाँ आते हैं, वो किनारा में छोड़ देता है और उसको घूम घाम करके फिर बैठ करके फिर इसको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए जहाज में सब जैसे घूमने जाते हैं, और वो जहाज जाकर वहाँ पर जहाज वहीं पर लगती है। अभी भी वहाँ पर कालिया जो नाग को छोड़ा था, अभी वहाँ के लोग कालियों को पूजा करते हैं, वो तो एक पत्थर से बना हुआ है, हैं? लोग वहाँ पर आकर बड़ी पूजा करते हैं उसको, और वो जो पत्थर है ना, वो धीरे धीरे बैठती जा रही, थोड़ी 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 पत्थर भी धीरे धीरे पहाड़ में जो बैठती है, जैसे नाग का मुंह होता है ना सर्पाकृति, वो पहाड़ का आकृति भी सर्प जैसे उसका भी आकृति, ऐसे आकृति उसकी है, बड़ा सुंदर दास पूरा। लेकिन वहाँ पर भारतीय बहुत ज्यादा मिलेगा, भारतीय लोग आपको बहुत ज्यादा भारतीय मिलेंगे, क्योंकि जो बिहार के लोग है ना, उनको कहते हैं उनको राम राज्य ले जाएंगे लोग, उनको बोल करके विदेश लोग क्या करते, जहाज में बैठा करते और उनको लेकर गन्ना का खेती बढ़ाया करते, इसलिए आपको भारतीय इतना मिलेंगे पता नहीं लगेंगे हम कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, ये विदेश ना हमारे भारत में लगे, चार तरफा को भारत, भारत के लोग वहाँ पर देखने को मिले, बड़ा सुंदर स्थान, इसलिए उसका नाम है रमणी द्वीप, बड़ा सुंदर द्वीप है, है बड़े सुंदर द्वीप है। अगर दोबारा कालिया आएगी ना, डंडे बगैर पिटाई करेंगे कालियों को, और कृष्ण बलराम सो रहे थे, आग लग गया तो सबके सब कृष्ण के वाले 6 साल के कृष्ण है, जब कृष्ण 6 साल की ब्रजवासी फिर कृष्ण शरण में क्यों है, यहाँ प्रश्न है ना, ये इतने बड़े बड़े ब्रजवासी गोप लोग हैं, इतना छोटे बच्चे शरण में क्यों गए, कारण है बोले गर्गाचार्य ने जब इनका नामकरण किया था, ये गर्गाचार्य ने ये बताया था, बोले नारायण समुद्री है, इसका साधारण अर्थ है नारायण में जो गुण है ना, कि तुम्हारी बेटे को अंदर में ये नारायण का गुण प्रकाश होगा, जब जब तुम्हारी ब्रज में कोई विपत्ति आएगा ये बच्चा तुम लोग को रक्षा करेगा, कौन कहा था ये गर्गाचार्य की बात, इसलिए कृष्ण उसको पहले भी उन्होंने अग्नि पान किया, कहाँ पर पान किया, भांडीर भट्ट में, भांडीर भट्ट गए कि नहीं आप लोग, कौन गए भांडीर भट्ट, इसलिए भांडीर भट्ट में वहां जब आग जल गई वहां पर भी सखा लोग शरणापन्न हुए तो उन्होंने अग्निपान किया, कृष्ण ने 3 बार उन्होंने अग्निपान, कृष्ण ने ये जरूर हमें रक्षा करेगा, कभी कभी नारायण इनके अंदर में प्रकाशित होकर के, जैसे गिरिराज धारण कर लिया था है, नारायण ही कभी कभी इनके अंदर में प्रकाश होकर के असम कार्य करते हैं, इसलिए कृष्ण को शरण में गए, बोले प्रभु हमें रक्षा करो, कृष्ण हमें रक्षा करो, इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने
उन्होंने अंजलि को ऐसे किया, जब अंजलि को ऐसे किया अग्नि ने, हैं अग्नि कौन है, कत मत भयात पातिपात होयम सूर्य तपति मत भया बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरत मत भया। भगवान बोले कहाँ जो विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए हम कहते हैं ना उसको इच्छा कर वगैरह की पता भी नहीं मिलता। दुनिया में जो कुछ काम होता है कृष्ण की इच्छा से है, इसलिए जो इंद्र बारिश बरसाता है किसकी इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से। यदि जो वायु बहती है किसकी इच्छा से, कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसलिए कृष्ण ने जब उन्होंने अंजलि ऐसे की, अग्नि स्वयं आकर के वहां पर अग्नि आ गई और कृष्ण ने क्या किया, संपूर्ण अग्नि को उन्होंने पान कर लिया। तो यहाँ पर फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले भैया कृष्ण का मुंह इतने कोमल जो मक्खन खाने वाले व्यक्ति है, जो मक्खन जो है ना मक्खन का जो, तो उनका मुंह कितने कोमल नहीं होगा, कितने मीठा। अग्नि कैसे पान उन्होंने कर लिया, तब तो तब कृष्ण अग्नि नहीं पान करती है। कहते जो कृष्ण की जो जोग माया है ना, कहते इसने क्या कि उन्होंने सारे अग्नि को उन्होंने तो पान कर ली, लेकिन नाम किसकी हो गया, बोले कृष्ण ने अग्निपान किया, लेकिन कृष्ण अग्निपान नहीं की, क्योंकि कृष्ण मुंह इतने कोमल अग्नि का तो क्यों पान करें, लेकिन नाम किसका हो गया, बोले कृष्ण का नाम, लेकिन उनके शक्ति ने पान। देखना इसी जगत में अगर घर में कोई काम होता ना, पर अगर भले ये काम को कोई पत्नी के नाम पर भले कोई पैसा कुछ हो, नाम किसका हो जाता, पति का नाम होता। अरे अमुक व्यक्ति है, पत्नी का नाम इतना नहीं होता है, घर नाम किसका होता है, भले पत्नी कर रहे लेकिन नाम हो जाता है पति का नाम हो जाता है। उसी तरह किया तो उन्होंने शक्ति, लेकिन नाम किसको हो गया, नाम हो गया कृष्ण का, नाम हो गया कृष्ण ने वासियों का साथ उन्होंने कथा सुनाया। इसलिए यदि जो कालिया रथ है वो क्या श्री कालिया रथ है, मानो हमारा हृदय है, लेकिन पहले की जमुना जल पवित्र था, जमुना पानी रथ, लेकिन कालिया ने आग्रह किया कि उसको दूषित कर दिया। क्या ठीक उसी तरह क्या हमारे हृदय भी, हृदय में किसको बैठानी चाहिए, बोले भगवान को बैठानी चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में भी जैसे कालियों का सौ पड़ा था, जो अनर्थ है ना, जो पाप है, काम क्रोध का भी हजार हजार भाण है, ये भी अभी क्या कर रहे हैं हमारे हृदय में आकर के, ये कालिया भी हमारे हृदय में बैठ गए, लेकिन ये कालिया हटेगा कैसे, जैसे कृष्ण ने कालिया हटाए थे कूद कूद करके अपना चरण के ठोकर से उन्होंने क्या किया, कालियों को उन्होंने भगाया। अगर कभी भगवान कृष्ण अगर कभी हमारे हृदय में आए, आने पर भगवान आने पर क्या होगा, हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध है, अगर वो कभी अगर ठोकर मार मार करके हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ को अगर कभी हटा दे ना, एक दिन हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। जैसे कृष्ण कालिया रथ को पवित्र कर दिया, फिर कृष्ण की ये कालिया रथ क्या बन गया, ये भगवान की क्रीड़ा भूमि बन गई। अगर कभी ठाकुर जी हमारे हृदय में आए, हमारे हृदय का अनर्थ को दूर करे, जैसे कालिया रथ में कृष्ण क्रीड़ा किया, हमारे हृदय में ठाकुर जी क्रीड़ा करे, अरे हमारे हृदय क्या बन जाए, भगवान की क्रीड़ा भूमि बन जाए, तब आनंद यहाँ। इसलिए ठाकुर जी को प्रार्थना करो, इसलिए भक्ति मंदिर ठाकुर कहते हैं, तुम्ही ऋषिकेश ऋषि को दनिया तारो संसिद्धि, मतलब है ऋषि के मतलब होता है इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों का जो प्रभु है, कौन है, कृष्ण है। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी आपका नाम ऋषिकेश है, मतलब इंद्रियों का जो मालिक है, आप कृपा करके हमारे जो इंद्रियों को आप दमन करो, दमन करके उसको क्या करो, कृष्ण सेवा में आप लगा दो, फिर तो ये इंद्रियां आपकी सेवा में जो माया की सेवा कर रही है, ये कभी ठाकुर जी की सेवा में। हरे हरे राम।